फाउंडेशन आपका जो एक्टिंग स्टूडियो से लॉन्च हुआ है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को कि क्या क्या होने वाला है यहाँ पर ये एक्टिंग स्टूडियो में, क्या क्या प्रोजेक्ट्स हमको देखने मिलेंगे थ्रू ये एक्टिंग स्टूडियो। बेसिकली महतिक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड एक प्रोडक्शन हाउस है जो म्यूज़िक, मूवीज़, वेब सीरीज़ वो सब डेवलप करेंगे, ओरिजिन करेंगे, क्रिएटर्स रहेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम ये भी सोच रहे हैं कि आज के टाइम के जो युवा पैशनेट एक्टिंग सीखना चाह रहे हैं या जो करना चाह रहे हैं और ये भागदौड़ में टाइम भी नहीं मिलता उनके पास, तो वीकेंड टाइम जॉब करके आ जाए, फिर वीकेंड में चांस मिले उनको करने के लिए ये सब, तो यहाँ पे आए, उनको सब सही तरीके से उनको सिखाया जाए फ्रॉम बेसिक्स टू द इंटरमीडिएट्स एंड एडवांस। तो तीनों लेवल हम ट्राई करेंगे, जितना ट्राई कर सके उतना ट्राई करेंगे कि उनको सिखाया जाए, समझाया जाए कि कैसे होता है। सो वी विल बी इंक्लूडिंग अवर एक्टिंग कोर्स, एक्टिंग तो सिखाई गई जो अपने नव रस है उस हिसाब से एक्टिंग के, उसके साथ साथ फॉर फिजिकल फिटनेस देर विल बी जुम्बा, उनको ट्रेन किया जाएगा, डांसिंग फॉर डांस मूव्स एंड एवरीथिंग, साथ ही साथ योगा रखा है टू गेट मेडिटेटेड देमसेल्फ। कोई कैरेक्टर में आते हैं, हम एक्टर्स जैसे आते हैं, कोई कैरेक्टर्स में आते हैं, उससे बाहर निकलना, कैसे निकलना, तो एक मेडिटेशन का भी लेवल होना चाहिए जिससे परफेक्टली योग के थ्रू उनको मेडिटेशन मिलेगा। फिर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मार्शल आर्ट्स, जो बेसिक नॉलेज ऑफ एक्शन, मास्टर दादा को आगे जाके ज़्यादा तकलीफ ना हो तो बेसिक नॉलेज हम पहले दे देंगे कि मार्शल आर्ट से उनको ताइक्वांडू है या कराटे है, उनसे वो सब बेसिक नॉलेज भी मिल दे देंगे हम। सो बेसिकली यहाँ से कोई एक्टर बाहर जाता है तो उनको हर एक चीज़ का नॉलेज हो, जैसा कि डेवलपमेंट है, ग्रूमिंग है। प्रतीक जी जैसे बोल रहे हैं, पहले तो सबसे पहले आप लोगों का भी धन्यवाद, आप लोग जो यहाँ पर आए हैं। और जैसा कि अभी प्रतीक जी ने बताया कि हमारी कंपनी जो है प्रोडक्शन हाउस है, जो हम वेब सीरीज़ भी बना चुके हैं, म्यूजिक एल्बम बना चुके हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हम ये एक्टिंग इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं अब लोग, तो बाहर के लोगों के अलावा जो हमारे पास एक्टर आएंगे हम उनको भी चांस देंगे, जो भी हम आगे ये काम करेंगे उसके अलावा जो भी हमारी वेब सीरीज़ होगी, फिल्म होगा, सीरियल होगा, एड फिल्म होगी, उसमें अपने लोगों को हम पहले प्रेफरेंस देंगे। और बाकी हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी NSD के, श्रीराम सेंटर के, थिएटर के बड़े बड़े लोग आएंगे सिखाने के लिए, हम उनसे कॉन्टेक्ट करेंगे। डेफिनेटली। तो मेरा नेक्स्ट सवाल यही था कि क्या कोई बड़े एक्टर्स या डायरेक्टर्स को आप लोग ऑन बोर्ड लाएंगे टू टीच देम? Yes. Of yes. course. There will be few celebrities. Workshops रहेंगे, of course. Lectures, but obvious. We'll week में एक दिन हम ऐसा करेंगे कि कोई भी celebrities लेके आए और वो क्लास लें। बाकी तो NSD के और वो खुद ही एक बड़े बड़े लोग हैं NSD श्रीराम सेंटर के, कि उनको जो हम लोग लेके आएंगे यहाँ पर, कि वो किसी नाम के मोहताज नहीं है, वो खुद ही इतने बड़े बड़े लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, तो उन्हीं लोगों को लेके आएंगे। तो हम वो सब चीज़ नहीं करेंगे, शाहरुख खान को लेके आएंगे, शाहरुख खान जी यहाँ पर सिखाएं आके, तो ऐसा नहीं, क्योंकि वो तो खुद जिनसे वो सीखे हुए हैं, पंकज त्रिपाठी जी या विजय राज, आशुतोष राणा जी, हम उन लोगों को लेके आएंगे जो यहाँ पर सिखाएं आगे। ममता जी आपसे जानना चाहूँगा आपका क्या रोल होने वाला है और महतिक नाम कहाँ से आया, क्योंकि बहुत यूनिक नाम लग रहा है, तो थोड़ा सा बता रहे। हाँ, सो महतिक बेसिकली हमारा कॉम्बिनेशन है, मेरा प्रतीक और मेरे बच्चे का। सो मेरे में से ममता में MA, प्रतीक में से TI के लिया था और हेत में से HE लिया था, बट फिर एट दी एंड अगर हम दोनों MA और IE के निकाले तो बीच में मेरे बेबी का नेम होता है हेत। सो इट्स लाइक महतिक एंटरटेनमेंट, सो इट्स अ फैमिली एंड आर प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो, लाइक महतिक एंटरटेनमेंट इज़ अ फैमिली प्रोडक्शन, लाइक फैमिली एंटरटेनमेंट है, इट्स एवरीथिंग, कवर्स एवरीथिंग। So, जैसे सर ने कहा कि आप लोग वेब सीरीज और फिल्म भी बनाने वाले, तो क्या जो यहाँ से सीख के जाएंगे उनको? ऑफ कोर्स यस, ये वही तो मेन है ना कि फर्स्ट प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू देयर कैलिबर, देयर लर्निंग स्किल्स, देयर टैलेंट, हाउ द आउटकम इज देयर, बट ऑब्वियस तो उनको भी हम चांस देंगे। बट ऑब्वियस पूरे साल का एक एनुअल, कॉलेज में होते तो एनुअल डे होता है, स्कूल में होता है तो कुछ ना कुछ होता है, वैसे हमारे महतिक स्टूडियो में भी साल में एट द एंड ऑफ द ईयर देर विल बी एन एनुअल डे, जहाँ पे उनको
थिएटर भी होगा जो डांस में एक मैपिंग होता है, बच्चे लोग का कैसे मैपिंग होता है, वैसे एक मैपिंग होता है, तो पता चल जाता है कि यार ही इज़ गुड इन ड्रामेटिक्स, ही इज़ गुड इन डांसिंग, ही इज़ गुड इन सो एंड सो, तो एक पूरा मर्ज करके वैसा उस उन पे वो कॉन्सेंट्रेशन दे के हम उस हिसाब से एक एनुअल डे फंक्शन और ऐसा भी रखेंगे। और आपके स्टूडियो से अब तक कोई अगर प्रोजेक्ट के बारे में बताना चाहे आपकी, अब नेक्स्ट क्या प्रोजेक्ट होने वाला है? अपकमिंग तो एक म्यूज़िक एल्बम है, एक म्यूज़िक एल्बम का वीडियो हम शूट करेंगे, अभी डेट्स तो फाइनलाइज नहीं है बट फॉर श्योर बहुत ही जल्द शूट करेंगे हम। इससे पहले हमारी वेब सीरीज आ चुकी है गेम्स ऑफ कर्मा करके, और हमारे दो गाने रिलीज हो चुके हैं, एक है रंग रंगीला और एक है महागणपति, जय हो महागणपति, ये दोनों हो चुके हैं। और वो दूसरा जो थर्ड सॉन्ग है वो भी ऑलरेडी इट इज रिकॉर्डेड, ऑडियो हैज बीन रिकॉर्डेड वीडियो, और विद इन 15 डेज 20 डेज में हम चाहते हैं कि एक बार फिर से आप लोगों के सामने आएंगे, एक बड़ी अनाउंसमेंट करेंगे। और एक्टर्स कौन से फाइनलाइज किए अगर उस बारे में कुछ बताएं? म्यूजिक वीडियो तो हम कर चुके हैं अभी, अभी जो नेक्स्ट आएंगे, अब देखो दो तीन आर्टिस्टों से बात चल रही है हमारी, नॉट येट कंफर्म, सो कास्टिंग इज येट पेंडिंग, सो कास्टिंग जैसे हो जाएगा इसके लिए बोले 15-20 दिन में और एक बार मुलाकात होगी, तो हम डेफिनेटली वो टाइम पे पूरा जो होगा परफेक्शन वो मिल जाएगा कास्ट के साथ सब कुछ। इट्स एक्चुअली हम दोनों का तो लॉन्ग बैक, जब हम एक्टिंग सीखते थे, सीखने के बाद जब ऑडिशंस देने जाते थे सब कुछ था, तब से हमारा हम दोनों का तो एक प्लान था, लेकिन बट यू नो और काम नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला था, वी स्टडीड मास्टर्स वगैरह किया, मास्टर्स हो गया, सब कुछ हो गया, फिर मेन इनकम स्टार्ट हो गई, फिर से कमिंग बैक टू पैशन, वी थॉट अबाउट चलो करते हैं एक स्टोरी। और जो अभी हमने वेब सीरीज की उसमें हमने हमारे प्रतीक जी ने ममता जी ने देखा कि जो इतने सारे लोग एक्टिंग का इंस्टीट्यूट खोल के ले बैठे हुए हैं और वो पैसे कमाए जा रहे हैं यानी दो तीन लोगों को छोड़ के बाकी तो सबके पैसे कमाने में लगे हुए, तो हमारा थॉट आया क्यों नहीं एक सही गाइडेंस उसको दी जाए, उनको like अच्छे से दी जाए और कम बजट में जो उनके बजट में आ सके और अच्छे लोगों के द्वारा जो NSD के या हम जो लोगों को बुलाएंगे उनके द्वारा उनको सही शिक्षा मिल सके, ये हमारा प्लान है। और फीस क्या डिसाइड किया आप लोगों ने? वो डिपेंड करता है सर, हमने 50,000 से लेकर 3 लाख तक डिसाइड किया है, जैसे बोला बेसिक इंटरमीडिएट और एडवांस 3 मेन बोला, लेकिन उसके अंदर भी 3 वेरिएशंस है, वेरियस दैट विल बी मंथली या क्रैश कोर्स या 3 मंथ्स कोर्स, 6 मंथ्स कोर्स और ईयर कोर्स। ओके, सो और हमारा एम वो फीस का नहीं है, बेसिकली क्या सही उनको जानकारी मिल सके, एक्टिंग कर सकें और उसका उनको नॉलेज मिल सके। लास्टली प्रतीक कोई मैसेज देना चाहेंगे जो हमारी ऑडियंस के लिए? कीप सपोर्टिंग, बी हैप्पी, सीरियसली नेवर गिव अप, सबके लिए यही है नेवर गिव अप, बिकॉज कभी ना कभी कभी अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ होते रहता है, बट वी शुडन ड्रॉबैक आसर, वी शुड ग्रो अप एंड कभी भी सोचना नहीं है कि वी शुड गिव अप, वी हैव टू ग्रो, नेवर गिव अप। आइए और एक बार देखिए, डेफिनेटली थैंक यू सो मच। और सबसे पहले तो भाई मनोज शर्मा जी को मैं उन्हीं को यहाँ सिर्फ जानता हूँ, उन्हीं से अवगत हूँ, तो तहे दिल से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और आपके बहाने से इन दोनों को मैं जिनको अभी रूबरू हुआ हूँ उनको भी, मतलब मैं इनके बारे में इतना कह सकता हूँ कि माँ की ममता का प्रतीक महतिक, क्या बात तो महतिक स्टूडियो को ढेर सारी शुभकामनाएं। और रही बात नेवर गिव अप की, जैसे कि इन्होंने कहा नेवर गिव अप, मेरा मानना है कि समय चाहे जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो समय निकलने के लिए आता है, तो यहाँ मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना समय निकालने के लिए आए और सकारात्मक तरीके से विजयी हो। जी बिल्कुल क्यों नहीं, इनफैक्ट इट विल बी एंटायरली माय प्लेजर इफ एट ऑल दे वुड लव टू कॉल मी, एंड हियर आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू
have great things, or rather I would say that, in put it like in other words, it should be a magic from your end. That's what I'm looking forward to. Sure, definitely. Thank you. Thank you so much. बात क्या है कि इस प्रोडक्शन हाउस में वेब सीरीज फिल्म्स और सब कुछ बनेंगी और साथ में एक एक्टिंग कोर्स भी शुरू किया है। तो कई बार अमूमन लोग सवाल करते हैं क्या एक्टिंग सीखना ज़रूरी है, टिकटॉक या इंस्टाग्राम पे दो चार उस पर अपना ऑटोट्यून पे काम कर लेते हैं, लगता है एक्टिंग आ गई, जबकि एक्टिंग जो है ना एक बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये एक कुरुक्षेत्र है। अगर आप यहाँ बिना तैयारी के आओगे तो मारे जाओगे। अगर यहाँ आना है, इस फील्ड में कुछ करना है, तो किसी को भी, सब लोगों को एक्टिंग की तालीम बहुत ज़रूरी है। तालीम आपको सिखाती है कि आपको कैसे एक्ट करना है, कैरेक्टराइजेशन कैसे करना, और इतना सारा पैकेज यहाँ मिल रहा है। और साथ में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप यहाँ सीख भी सकते हो और आपको एक फ्रेम भी मिलेगा, आपको एक काम करने के लिए वेब सीरीज़ भी है। अगर आपके अंदर वो क्षमताएँ प्रतिभाएँ होंगी और आप सीरियसली सीख रहे होगे और आप डेडिकेटेड होगे, डेफिनेटली ये प्रोडक्शन हाउस उन लोगों को जो यहाँ से सीखेंगे उनके लिए वेब सीरीज़ फिल्म में काम भी मिलेगा। तो ये तो एक पैकेज शुरू किया, और इसके लिए तो हम दिल से मैम को, इनको और हमारे बड़े भाई मनोज जी को मैं बहुत सारी बधाइयाँ देता हूँ। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि ये बहुत आगे बढ़े, क्योंकि अगर ये आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली कम से कम बहुत सारे लोगों का भला होने वाला है। एक प्रोडक्शन हाउस अगर चलता है तो कम से कम मिनिमम 100 लोगों का घर चलता है। और साथ में यहाँ ड्रीम, क्योंकि ड्रीम देखना और ड्रीम को पूरा करना, ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ आप अगर ड्रीम देखते हो तो आप यहाँ आइए, आप सीखेंगे और आपको वो प्लेटफॉर्म भी मिलेगा जो आपने सोचा है और जो आप चाहते हैं कुछ बनने के लिए। तो हमारी तो सबसे पहले उन सबको जो ये ज्वाइन करेंगे उनको भी हमारी शुभकामनाएं है कि आपके सामने एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस आ रहा है एक पूरा पैकेज लेके। सो थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो महतिक इंटरप्राइजेज जो प्रोडक्शन हाउस खुल रहा है उसको बहुत बहुत बधाई हो। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। बहुत सारे प्रोजेक्ट आए और हम जैसे एक्टर तो हमेशा सोचते हैं कि जितना ज़्यादा इस तरह के प्रोडक्शन हाउस खुलेंगे उतना ज़्यादा हमें काम मिलेगा। और एक्टर की बहुत, मतलब मुंबई में तो भरे पड़े हैं एक्टर्स। और दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो प्रोडक्शन हाउस है इसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने वाली हैं, लाइक एक्टिंग भी, मेडिटेशन भी, डांस भी। तो बहुत अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि अभी सिनेमा बदल रहा है। जैसे कि हम अगर 10 में से 9 लोग से पूछेंगे तो सब लोग बोलेंगे मैं भी एक्टिंग करना चाहता हूँ, स्क्रीन पर दिखना चाहता हूँ। पर आज का सिनेमा पूरी तरीके से बदल चुका है। यहाँ पर जैसे MBA, डॉक्टर, इंजीनियर की पढ़ाई की ज़रूरत होती है, वैसे यहाँ पर भी कुछ टेक्निक की ज़रूरत होती है जिसको सीख के कैमरा के सामने जाना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं करो अड़ोसी पड़ोसी मौसी ने बोला स्मार्ट हो तो मुंबई चले जाओ या कैमरा के सामने चले जाओ, वहाँ पर एक्शन होता है अच्छे की हालत ख़राब हो जाती है। तो वो चीज़ टेक्निक जानना, उसमें समय देना, एक पर्टिकुलर कोर्स करना, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है ये। और आज की तारीख में पहले के जैसा नहीं कि किसी को रोड से उठा के डायरेक्टर एक्टिंग करवा दिया, वो एक्टिंग थी। अभी क्या, डू नॉट एक्ट, आपको एक्टिंग नहीं करनी है। अभी आप सिनेमा देख रहे होंगे, वेब सीरीज देख रहे होंगे, इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, डू नॉट एक्ट, एक्ट करना ही नहीं है। द एक्टिंग इज ऑल अबाउट द रिक्रिएशन ऑफ इमोशन इन द फ्रंट ऑफ कैमरा फ्रॉम द रियल लाइफ। जो हम करते हैं उसको सामने लाना है, पर उसके लिए टेक्निक की ज़रूरत होती है, रियलिटी के लिए बिलीवेबल जो होना चाहिए। तो ये एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन ही सिखा सकता है, इसकी बहुत ज़रूरी है। और मनोज जी को बहुत बहुत बधाई, मैडम को बहुत बहुत बधाई कि आपने ये शुरुआत की है। प्रार्थना है ईश्वर से कि बहुत आगे जाए प्रोडक्शन हाउस और हमें ज़रूर काम मिले। थैंक यू। मैं तक इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मैडम आपको भी, सर आपको भी, और बड़े भाई मनोज जी आपको भी। बाकी तो सब कह दिया इन लोगों ने, जो भी कुछ कहना था। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सर। राजेश भाई, राजेश जी, राजेश सर आओ, राजेश जी आइए। क्या कहना चाहिए? देखिए, शुभकामनाएं तो मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा हैं, सभी लोग बेस्ट विशेस दे रहे हैं आपको। तो मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि ये प्रोडक्शन शुरू हुआ है तो हमेशा मैं इसको बढ़ता ही देखूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं महितिक को, बहुत 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 बधाइयाँ अभी से आपके आने वाले कामों के लिए। और रही इंस्टीट्यूट की बात, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट बहुत सारे खुले हुए हैं। तो सही कहा मनोज भैया ने, मनोज शर्मा जी ने भी कहा था कि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट पैसे के लिए खोला जाता है। तो यहाँ नीयत अगर आपकी बहुत अच्छी है, जैसे कि कहा कि हम लोगों को कुछ अच्छा सिखाना भी है, जैसे दिल्ली से NSD के लोग बुलाए जाएंगे, टीचर्स बुलाए जाएंगे, तो एक अच्छी शिक्षा देना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
मेरे ख्याल से जितना मैंने इनको ऑब्जर्व किया है, मैं इनसे पहली बार मिला हूँ, बट मुझे इतना लग रहा है कि नीयत साफ है। ये चाहते हैं कि हम एक्टिंग के लिए कुछ कर ले, मतलब जो आजकल जो इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं वो पैसा कमा रहे हैं एक्टिंग के नाम पे, तो ये भी एक्टिंग से हैं और मुझे लग रहा है कि इन्होंने काम भी किया है तो कुछ अच्छा करने वाले हैं। एंड आई होप, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इनके साथ। मैं भी यही कहूँगा, शुभकामनाएं दूंगा, दिन रात तरक्की हो और इतना हो यहाँ पर काम की, हज़ारों लोगों को काम मिले यहाँ पर। देखिए, अगर आप एक्टिंग सीखना चाहते हैं, अगर सच में आपको है कि भाई मुझे कुछ करना है, तो एक बार आप आइए और ट्राई करिए कि यहाँ क्या हो रहा है, और आके आप ऑब्जर्व करिए, आप कुछ दिन क्लासेस लीजिए, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या सिखा रहे हैं। और आपको सबसे बड़ी चीज़, यहाँ पर काम भी मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि इनकी एक वेब सीरीज़ पहले भी आ चुकी है, मैंने देखी है, और बहुत बढ़िया काम किया है इन लोगों ने। तो अगर आपको चांस भी मिलता है तो ये तो सोने पर सुहागा है। तो मुंबई जैसे शहर में दिल्ली से बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पर सिखाने के लिए आएंगे तो बहुत बड़ी बात है। तो होप फॉर बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस। सबसे पहले तो बहुत बड़ी शुभकामनाएं, इतना बढ़िया ऑफिस इन्होंने बनाया है। इसके पहले भी इन्होंने वेब सीरीज और बड़े अच्छे अच्छे गाने बनाए हैं, बहुत सारा काम किए हैं। ममता जी हैं, हमारे मित्र हैं प्रतीक जी और मनोज भाई हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और एक्टिंग स्कूल भी खोल रहे हैं, तो एक्टिंग स्कूल, एक्टिंग सिखाएंगे और काम भी देंगे, क्योंकि खुद का प्रोडक्शन कंपनी है माइथिक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो मेरी तो बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि काम करें, आगे बढ़ें, कुछ नए टैलेंट लाएं, ताकि हम जैसे डायरेक्टर उनको और आगे बढ़ा सकें। आपने रीजनल फिल्म भी डायरेक्ट किए, तो क्या आप लोग ऐसा कुछ प्लान है कि रीजनल सिनेमा की तरफ भी आप लोग जाए, अगर जब आपके प्रोजेक्ट बनते हैं? जी, ये तो अभी प्रोड्यूसर्स का है मामला कि रीजनल बनाते हैं या हिंदी सिनेमा बनाते हैं या तमिल तेलुगु का सिनेमा बनाते हैं, ये तो इनके ऊपर है। बट ये है कि हमने रीजनल सिनेमा, भोजपुरी सिनेमा 7-8 फिल्में डायरेक्ट करी हैं, ढेर सारी फिल्में हिट हैं, इसमें से हमारे कुछ पत्रकार बंधु जानते भी हैं। और अभी हमने एक फिल्म बनाई है तुम तक, हिंदी फिल्म, जिसका पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, बहुत जल्दी आएगी लोगों के सामने, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उसमें। तो इस तरह से काम करते रहते हैं, जो भी मिल जाता है। ढेर सारे टीवी सीरियल्स किए हैं, चल रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पहले तो बहुत खुशी की बात है कि आज ये दिन हम लोग साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मेरी शुभकामनाएं हैं आप दोनों को, महतिक को, एंड हम लोग साथ में इसलिए जुड़े हैं कि कुछ बेहतर कर पाएँ। स्पेशली मैं, मेरा बैकग्राउंड एक्टिंग से है, कास्टिंग में है, डायरेक्शन में है, सो आई ट्राई टू डू वट एवर बट आई कैन डू विद द टीम। और पूछे जी, ऐसी बात हुई है, बाकी हम देखते हैं कैसे इसको हम लोग प्लान करेंगे। सो कोशिश यही रहेगी कि एक्टिंग को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज फ्यूचर सब कुछ ज़्यादातर डिपेंड एक्टर्स पे ही करता है, कि आप देखते हैं कैमरे पे, आप एक्टर्स को ही देखते हैं, सो वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो प्रोजेक्ट ये लोग प्लान करेंगे, इट बी रियली गुड फॉर द स्टूडेंट्स कि वो सीख के, अगर वो इस लायक बन पाए या उनमें वो प्रतिभा है, तो डेफिनेटली इट्स अ ब्राइट फ्यूचर हियर टू बी एसोसिएट विद मैथिक स्टूडियो टुडे। इट्स अ लवली डे एंड वी ऑल आर हैप्पी बीइंग हियर। थैंक यू। थैंक यू।